लोकसभा चुनाव के लिए देश में मतदान कुल 7 फेजों में होने वाला है और पहले चरण में महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं, जिसमें नागपुर में भी पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसी श्रृंखला में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नागपुर में प्रचार के लिए आए थे। इस दौरान हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है। हमारे साथ आज है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उनसे हम जानेंगे वो नागपुर में आए हैं, लोकसभा चुनाव का जो है माहौल है और पहले चरण में कुछ ही दिनों में यहाँ पर नागपुर में मतदान होना है। आपने अभी प्रेस लेकर एक मैनिफेस्टो जो बीजेपी की ओर से कल जारी किया गया उसके बारे में यहाँ पर प्रेस में बताया है, क्या बताओगे किस तरह से विदर्भ की स्थिति आपको दिखाई दे रही है? आप विदर्भ में हो, नागपुर में हो खासकर, और ये जो हाई वोल्टेज मतलब देखा जाता है लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि नितिन गडकरी कद्दावर नेता यहाँ से आपके प्रत्याशी है। एक तो माननीय मोदी जी की 400 पार ये जो नारा दिया है, हम 400 पार कर रहे हैं। उसके बाद मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र के विदर्भ में हूँ और ख़ास करके माननीय नितिन गडकरी जी जिस सीट से लड़ रहे हैं 100% बहुत बड़ी मार्जिन के साथ नितिन गडकरी जी यहाँ से जीत रहे हैं। विदर्भ के सभी सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं, बहुत अच्छा, यानी लोगों के बीच में और जो माननीय गडकरी जी ने यहाँ पे काम किया और पूरे देश भर में काम किया, लोगों के प्रति उनका प्रेम और आदर और ज़्यादा बढ़ गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रहे हैं, 100% कोई शक नहीं है, यहाँ के सभी सीट हम जीत रहे हैं। 400 पार का नारा आपकी बार दिया गया है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है? 400 पार आपकी बार 400 पार का नारा लगते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी हमने 303 सीट तो लास्ट टाइम हमें मिले थे, 370 कलम हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खुद 370 सीट आ रहे हैं, एनडीए के पार्टनर थ्रू एडिशनल 30+ सीट हमें मिल रहे हैं, इसीलिए तो सब कैलकुलेशन पकड़ के इस बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस ने दिया है, वो 100% यानी लोगों के मन में एक इस बार 400 पार की उम्मीद जो है मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए हैं वो करके दिखाएंगे, यही तो आशा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी में बहुत से इनकमिंग हो रही है अलग अलग पार्टियों से, महाराष्ट्र में इसमें खासा असर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने कल बयान दिया था कि जो बीजेपी वॉशिंग मशीन में भ्रष्ट नेताओं को डाल रही है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहते? बुढ़ती हुई नौका पे कोई रहना पसंद नहीं करता है, इसलिए जिसके पास नेतृत्व नहीं है, देयर इज नो लीडरशिप, तो देयर इज नो एनी विजन, क्योंकि 10 साल देश का नेतृत्व करने के बाद भी जिन्होंने इस देश का विकास नहीं किया है, तो मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल के बाद लोगों को पता चला है कि आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत का सपना कोई साकार कर सकता है तो ओनली माननीय मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए तो मुझे लगता है कि कद्दावर नेता जो कांग्रेस से है उनको मालूम हो चुका है कि अभी ओनली द विजनरी लीडरशिप इज द मोदी जी और विजनरी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए वो उनका पक्ष छोड़ के यानी भारतीय जनता पार्टी में खुद होके आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनका वेलकम कर रही है। महाराष्ट्र के विपक्षी नेता है विजय वडेट्टीवार, उन्होंने कल एक अपना बाइट जारी किया है, उसमें कहा है कि जो मैनिफेस्टो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है उसमें आम आदमी की मतलब कहीं ध्यान नहीं रखा गया या आम आदमी के बारे में सोचा नहीं गया, क्या बताओ? बीजेपी के मैनिफेस्टो में 4 चीज़ों के बारे में बताया, विच इज द नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति और गरीब कल्याण। माननीय मोदी जी ने इस 4 कंपोनेंट के लिए आज तक काम किया है और आगे काम करने की गारंटी दी है। उनके कार्यकाल में इस 4 कंपोनेंट के ऊपर उन्होंने कभी काम नहीं किया था, वो काम करते हैं तो सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर करते हैं और वही उनकी नीति है। हमारी नीति और नियत इधर राष्ट्रवाद है और उनका नीति और नियत परिवारवाद है, इसीलिए तो सब लोग प्रीफर करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। छोटा सा आखिरी सवाल, आज आप नागपुर में हो, 19 तारीख को यहाँ पे चुनाव होना है, मतदान होना है, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी लोगों को आह्वान करूंगा कि मोदी जी का 400 पार का नारा सही करते वक्त विदर्भ से सभी के सभी सीट यानी मोदी जी के लिए एनडीए के लिए दे, बस यही आह्वान करूँगा। तो ये थे प्रमोद सावंत, कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ, मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।